आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोना पड़ रहा है। एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है, अंबेडकराइट को, दलित मूवमेंट के साथियों को नक्सलाइट बोलकर भीमा कोरेगांव के केस में जेलों में डाला जाता है। इस दौर में मनुवाद को मजबूत करने का सबसे ज्यादा काम भाजपा और आरएसएस ने किया है। सामाजिक न्याय प्रस्तावित होगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दो बात रखनी है। संत रविदास, संत कबीर, नानक, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, भक्ति आंदोलन और सूफी संतों की परंपराओं के इस मुल्क में 2022 के 2023 के भारत में आज भी छुआछूत जिंदा है। आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोना पड़ रहा है। आज भी भारत में हर रोज 4 दलित बहनों पर बलात्कार होते हैं, हर रोज 2 दलित समुदाय के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर 18 मिनट पर एक एट्रोसिटी की घटना होती है। ये केवल चिंता का नहीं, हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विषय है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया और सामाजिक न्याय की बात की। हम लोग साफ तौर पे मानते हैं कि नए भारत का निर्माण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस देश के हर एक कोने में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित न किया जाए। लेकिन जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश के ऊपर थोपा गया, मैं उसी गुजरात से आता हूं और हम लोगों ने देखा है कि इसी गुजरात मॉडल के कारण पिछले 8-10 सालों में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है, गाय के नाम पर सरेआम भर बाजार ऊना में दलित युवकों की चमड़ी उतारी जाती है, दिल्ली में रविदास के मंदिर को तोड़ा जाता है, एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है, अंबेडकराइट को, दलित मूवमेंट के साथियों को नक्सलाइट बोलकर भीमा कोरेगांव के केस में जेलों में डाला जाता है और हर संभव तरीके से दलित आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को 50% से ज्यादा शामिल करने की जो कोशिश की है, जो पहल की है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज इस मंच पर से पूरे भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं गुजरात से हूं, चूंकि मैंने मोदी साहब को नजदीक से देखा है, उनकी राजनीति को करीब से देखा है, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी इस मनुवाद पर्सोनिफाइड, इस दौर में मनुवाद को मजबूत करने का सबसे ज्यादा काम भाजपा और आरएसएस ने किया है। और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मेरा अपील है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, जहां पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो, घुमंतू समुदाय के ऊपर अत्याचार हो, केवल कांग्रेस पार्टी के SC ST ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर लड़े। दलित समुदाय के साथियों के तौर पे भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब बिल्किस बानू के बलात्कारियों को जेल में से छोड़ा जाए तो हम लोग भी उन मुस्लिम समुदाय के साथियों के साथ खड़े रहे जो बिल्किस बानू के मुद्दे पर बोल रहे। तो साथियों, संगठन के अंदर कांग्रेस पार्टी के भीतर दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को योग्य प्रतिनिधित्व मिले। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लिए जो नीतियां बनी है वो पूर्ण रूप से लागू हो और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ हम लोग मोर्चा बुलंद करें। सामाजिक न्याय प्रस्तावित होगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि नए भारत का निर्माण हो रहा है, संविधान लागू हो रहा है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत।